फिल्म देखकर आप अभी आप निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? देखिए मैं तो ये बोलती हूँ कुर्सी की बेटी, आप मान लीजिए शाहरुख खान ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिक्चर आपको एक सेकंड भी उठने का मौका नहीं देती। पिक्चर इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से फैंस का रिस्पांस था, शाहरुख खान की एंट्री होते फैंस हूट करना शुरू हो गए, दीपिका की एंट्री होते फैंस हूट करना शुरू हो गए। हर मिनट पिक्चर आपको आग झपकने नहीं देती। दीपिका इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी ब्यूटीफुल वो किसी भी पिक्चर में लगी है। और जिस हिसाब से जब एंट्री होती है सलमान खान की, तो करण अर्जुन का जो ये पैर आ जाता है, तो फैंस उस वक्त इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन। फैंस बायकॉट करने की लगातार बात हो रही थी, तो क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में बायकॉट करने लायक है मूवी में? देखिए बायकॉट फैंस ने कभी भी नहीं किया था, उसका वो जो जवाब आपको मिल गया था, जो जिस हिसाब से पिक्चर के रिव्यूज थे, जो पिक्चर के रिव्यूज थे, और ट्रेलर लोगों ने बहुत पसंद किया था, सॉन्ग्स लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा था, दो सॉन्ग्स रिलीज हुए, दोनों सॉन्ग्स बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद करे, इनफैक्ट लोगों ने रील्स बहुत बनाई। अगर सोशल मीडिया पर देखो तो लोगों का समर्थन था, लोगों की लाइकिंग थी, तभी वो सॉन्ग्स इतने ज्यादा हिट हुए। और आज उस चीज गवाह है कि जितना मर्जी ट्रेंड चला दे, और ट्रेंड जो चल रहा था थोड़े बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल थे, सारे लोग नहीं थे, थोड़े नफरती चिंटू है जिनका ये ट्रेंड चला रहे थे, और उनको आज मुंह तोड़ जवाब है कि अब जितना मर्जी अब बायकॉट करने की कोशिश कर दीजिए, शाहरुख खान लोगों के दिलों में बसता है, लोगों की जनता ने शाहरुख खान को बनाया, और लोगों का प्यार जैसे आज मैंने थिएटर में देखा वो फिनोमिनल था। लोग सलमान खान की एंट्री कैसे लिया? सलमान खान की एंट्री के बाद तो मैंने मरा ना, करण अर्जुन जब आए तो लोग उस वक्त बिल्कुल पागल हो गए, हूट करना शुरू हो गए सब, इनफैक्ट सॉन्ग के बीच में लोग गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। तो फैंस का रिस्पॉन्स सही है, फैंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मैं पिक्चर को 5 स्टार ही दूंगी। बेशरम रंग और भगवा रंग को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, तो क्या मूवी सही से हटाया गया या ऐसे चीज है? देखिए जो भड़काऊ गैंग ने कोशिश तो बहुत करी थी, सेंसर बोर्ड पे बहुत प्रेशर किया था कैंची चलाने के लिए, कैंची जो चली वो कहीं और चली, क्योंकि हमने पिक्चर तो देखी नहीं, हमने तो ट्रेलर और सॉन्ग देखा था, लेकिन भगवा रंग को पे कैंची नहीं चली, भगवा रंग था नहीं, बेशरंग रंग में भी कैंची नहीं चली, भगवा रंग में भी कैंची नहीं चली, दीपिका भगवा रंग में भी थी, सॉन्ग में भी थी, और सॉन्ग के बाद उसके कुछ सीन्स थे उस पे भी थी। तो क्या लग रहा कंट्रोवर्सी के बाद मूवी ज्यादा कमाई? नहीं, इट इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रोवर्सी, लोगों की पसंद थी शाहरुख खान, ये तो कुछ लोग चाह रहे थे कि मूवी किसी तरीके से बॉक्स ऑफिस में पिट जाए। एडवांस बुकिंग आप बता दीजिए, मैं तो अपनी फैमिली के साथ आना चाहती थी लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे अकेले आना पड़ गया। वेंसडे से संडे तक मूवी हाउसफुल है, और इनिशियली तो देखिए उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से हाउसफुल रहेगी, अब माउथ पब्लिसिटी और रिस्पॉन्स, पब्लिक रिस्पॉन्स के बाद आपको पता लगेगा, और पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही थी जो सिंगल आ रही थी, बिकॉज टिकट की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, एडवांस बुकिंग है, फुल है पूरा वेंसडे से लेके संडे तक, थिएटर रिकॉर्ड तोड़ेगी, 1200 से ऊपर जाएगी। और जितना कह रहे थे ये बॉलीवुड का कम बैक है, ये जितना बॉलीवुड को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और बॉलीवुड का वो चला रहे थे कि बॉलीवुड अच्छा चीजें नहीं बनाता, लेकिन ये सारी जो जो जितनी पिक्चरें पीछे नहीं दे पाया बॉलीवुड ने करके दिखा दिया।